दिल्ली में कांग्रेस की महाबैठक। राहुल गांधी और खड़गे लेंगे बैठक। प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गजों की होगी शिरकत। महाबैठक में होगा महाफैसला या कुछ ऐसा जो होगा सबके मन का और थम जाएगा तूफान, या आ गई है बड़े फैसले की घड़ी। दिल्ली में बैठक बड़ी, जयपुर से दिल्ली तक की पल पल की अपडेट देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार। सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दिल्ली में कांग्रेस की आज महाबैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की दिल्ली से, जहां पर राजस्थान को लेकर कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक होगी। राजस्थान में मिशन रिपीट को लेकर महामंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। राजस्थान के 24 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी दिल्ली में लगातार मौजूद है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंत्रणा लगातार की जा रही है। और इसके साथ साथ सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, भंवर जितेंद्र सिंह भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। रघुवीर मीणा और मंत्री खाचरियावास सहित महेंद्र जीत मालवीय भी दिल्ली पहुंचे हैं। गोविंद राम मेघवाल, राजेंद्र यादव, हरीश चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ साथ लालचंद कटारिया, उदयलाल अंजना, धीरज गुर्जर भी दिल्ली पहुंचेंगे। रमेश चंद्र मीणा के साथ साथ रामलाल जाट, भजन लाल जाटव भी दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्री प्रमोद जैन भाया भी दिल्ली आएंगे और इस खास बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। इसे लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। बैठक को लेकर कांग्रेस नेताओं के दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार दिल्ली में ही मौजूद है, मंत्रणा कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, सचिन पायलट, रघुवर मीणा बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही महेंद्र जीत मालवीय, गोविंद राम मेघवाल, राजेंद्र यादव, हरीश चौधरी, रघु शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शकुंतला रावत, लालचंद कटारिया, उदयलाल अंजना, रमेश चंद्र मीणा, रामलाल जाट, भजन लाल जाटव, धीरज गुर्जर भी दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना, जाहिदा खान, विधायक रफीक खान आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये तमाम बड़े नाम हमने आपको बताए जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी रणनीति को तय किया जाना और इसके साथ साथ संगठन विस्तार को लेकर कवायद की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। सभी को खुश कर लिया जाए, सभी को मना लिया जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि सूचियां अभी तक अटकी हुई हैं, सूची सामने नहीं आ सकी है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे सबको खुश कर लिया जाए। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबूलाल धायल जयपुर से और दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हलचल होगी इस वक्त जयपुर में? जी, जयपुर से तो तमाम जो नेता है वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं। देर रात सीपी जोशी, रामलाल जाट, लालचंद कटारिया, शकुंतला रावत, गोविंद मेघवाल समेत कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। जो लेट नाइट की आखिरी फ्लाइट है दिल्ली से जयपुर जाने वाली, जयपुर से दिल्ली जाने वाली, उसमें ये लोग गए हैं और आज बैठक का ये हिस्सा होंगे। तो माना यही जा रहा है कि जो निर्णायक फैसले चुनाव में पार्टी को लेने हैं वो आज लिए जा सकते हैं। अब वो फैसले आज शाम तक सामने आएंगे या फिर उनका ऐलान कल होगा, उस पर तो निगाहें टिकी होंगी। लेकिन सब लोग पूरी तैयारी के साथ गए हैं,
सब अपनी बात कहेंगे, सबसे राहुल गांधी राय मशवरा करेंगे। ताजा जो राजनीतिक हालात है उसमें कांग्रेस पार्टी कहां पर है और किस तरह की कमियां है जहां पर पार्टी के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं, तो सब अपना फीडबैक देंगे। सब अपने अपने जिलों के, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति के बारे में, अपने अपने अंचलों के बारे में सब बखूबी जानते हैं। तो उन तमाम नेताओं को बुलाया गया जिनके पास में सियासी तजुर्बा है, जो जानते हैं कि बीजेपी को इस तरह से हराया जा सकता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कांग्रेस की जीत में बाधा बन सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जो उनके जहन में है, जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो भी राय मशवरा वो देना चाहते हैं, उनको खुलकर बोलने की पूरी आजादी होगी, ताकि कल जब नतीजे आए या कुछ और बात हो, कोई कमी बेसी रह जाए, तो उस दौर में पार्टी को ये ना लगे कि उन्होंने होमवर्क ठीक से नहीं किया था। तो आज रोड में बनेगा और उसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि खुल करके बात की जाए, कोई बात मन में ना रहे, इसलिए आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के तमाम नेता पूरी तैयारी के साथ गए हैं और उनको पता है कि कहाँ पर दिक्कतें हैं और कहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। नेताओं के टिकट बहुत ज्यादा कटने वाले हैं, तो आज जब राहुल गांधी एक एक नेता से खुद भी पूछ सकते हैं कि भाई आपकी क्या स्थिति है, हमारे सर्वे में तो बहुत स्थितियां खराब आ रही कई नेताओं की, तो ऐसे में उन नेताओं के सामने बहुत मुश्किलें भी होंगी। लेकिन क्योंकि पार्टी के प्रति कांग्रेस पार्टी अब समर्पण का भाव सिखा रही कि पार्टी है तो आप लोग है, आपका करियर है, तो आज जो चीजें होंगी वो अपने आप में ऐसी होंगी जिसे लेकर के लोग कई महीनों से चर्चा कर रहे थे। कुछ दिनों से ये बैठक होने वाली थी, लगातार तिथियां टल रही थी, डेट नहीं आ पा रही थी, नेता पहुंच नहीं पा रहे थे। आज भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे नहीं, लेकिन उनका जूम मीटिंग से जुड़ने का कार्यक्रम है, तो वो जयपुर में रहते हुए भी दिल्ली में जो कुछ होगा वो सब कुछ उनके सामने होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़ेंगे, लेकिन उनके सामने जो नेता अपना राय मशवरा देंगे वो उनके सामने भी होगा। जहां तक खबरें आ रही है गोविंद सिंह डोटासरा को बरकरार रखा जाएगा, राहुल गांधी जो सचिन पायलट है तो उनको भी काफी हद तक समझा दिया गया है, तो वो भी अब आने वाले दिनों में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आएंगे। जिस तरह का मनमुटाव जो दिख रहा था, शायद पार्टी अब इससे काफी आगे निकल गई है, नेताओं को काफी समझा बुझा दिया गया है और वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। तो आज की बैठक के बाद में एक एकजुटता का संदेश बिल्कुल जो है दिल्ली से निकल करके बाहर आने की संभावना है, और कुछ जो नियुक्तियां होनी है उन पर मुहर लग जाएगी, वो एक दो दिन में जारी हो जाएंगी। जम्बो लिस्ट आएगी, करीब 200 लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। डीसीसी और पीपीसी के जो पदाधिकारी है वो नए होंगे, और चुनावी जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं उन चेहरों को तरजीह दी जाएगी जो पार्टी के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, रैलियां कराएंगे, नेताओं को बुलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और जहां जहां पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी पर, उसका वो तोड़ ढूंढेंगे, उनका मुकाबला करने की कुवत उनमें होगी, तो ऐसे नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल बाबूलाल, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी, और निश्चित तौर पर यही वजह है कि नियुक्तियां भी अटकी हुई है, कोशिश की जा रही है कि सभी को तरजीह दी जाए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए। लखवीर लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि आप बाबूलाल बता रहे हैं कि सभी जो नेता हैं, विधायक हैं, वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। निश्चित तौर पर लखवीर, जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी की धुकधुकी बड़ी होगी, बड़ी बैठक है, महा बैठक है, और बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा इस बैठक में। जी बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आहूत होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के तमाम तत्वों को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। तमाम नेता, अधिकांश नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, कुछ नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, जो कि बैठक के तय समय से पहले तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। करीब 2.5 दर्जन ये कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में रहेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के करीब करीब 2.5 दर्जन नेताओं को मार्गदर्शन देंगे कि कैसे और किस रूपरेखा के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए, किन मुद्दों को फोकस किया जाए। एकजुटता पर इस बैठक में फोकस रहने वाला है प्रियंका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार से तस्वीरें पिछले 4 साल में निकल कर आई, अब कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि पूरी टीम, पूरा प्रदेश का नेतृत्व एकजुट होकर चुनाव लड़े ताकि सरकार रिपीट हो सके, क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेस का आलाकमान लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो या फिर भाषणों में हो। लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की जा रही है और ये दर्शाया जा रहा है कि जनता का समर्थन हासिल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है जो कांग्रेस के आलाकमान को नजर आता है कि जिस प्रकार से एकजुटता नहीं हो पा रही है, पार्टी में बिखरावट की तस्वीर सामने आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं हो सका है। कुछ दिनों या यूं कहें कुछ महीनों के स्थान में मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक जिला कार्यकारिणियां, पीसीसी की कार्यकारिणी का ऐलान अब तक गोविंद डोटासरा नहीं करवा पाए, तो ये बड़ा फेल्योर है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि पूरी लीडरशिप को साथ बैठाया जाए, पूरे प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाए। इसी का कारण है कि करीब 28 से 29 नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे और उन सभी नेताओं को यही मार्गदर्शन दिया जाएगा, दो टूक निर्देश दिया जाएगा कि चुनावी तैयारियों में जुट जाए, आपसी मतभेद को खत्म किया जाए, एकजुटता दिखाई जाए, जिसके साथ हमें जनता का समर्थन हासिल हो। निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साहपन पे, ताकि हमारी सरकार रिपीट हो सके, जिसकी संभावना कांग्रेस आलाकमान को आज की तारीख में नजर आती है। बिल्कुल, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी लखवीर, और इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि जो मनमुटाव हैं उन्हें भी दूर कर लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये समझ गई है कि कम से कम अब वो वक्त है कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए, जिससे कि आगे चुनाव में जीत मिल सके। चुनाव की दशा और दिशा दोनों आज इस बैठक में तय की जाएगी। लेकिन बाबूलाल, जिस तरीके से बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है पिछले कुछ समय से, हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर भी चल रहा है कि यहाँ कुर्सियों के लिए लड़ाई होती है, जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गुट बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बैठक के बाद मुश्किलें बढ़ सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। देखिए, मुश्किलें बढ़े ना बढ़े, लेकिन बीजेपी के नेताओं की निगाह भी दिल्ली की इस बैठक पर है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस में फूट बरकरार रहे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहें, ताकि वो चुनाव में से एक बड़ा मुद्दा बना करके लेके जाएं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की निगाह इस पे रहेगी, और जब बैठक खत्म होगी तो बीजेपी की ओर से रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि बीजेपी ऐसे मामलों पे लगातार निगाह रखती है और उसको यही लगता है कि कांग्रेस कभी यूनाइट नहीं हो सकती, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का कभी दिल नहीं मिल सकता, और जब दोनों यूनाइट होंगे तो फिर कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किल तो है ही, क्योंकि दोनों एक साथ अगर चुनाव में जाएंगे, मन साझा करेंगे, भाषण साथ देंगे, तो फिर बीजेपी को कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अभी उनको ये लगता है कि सचिन पायलट से जुड़ा हुआ जो वोट है, जो वर्ग है, वो अभी उनको सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज है, और अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जिस तरह के मतभेद हैं, अगर ये बरकरार रहते हैं चुनाव तक, तो फिर उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो यही बात है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, दोनों धड़े एक हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो लोग, जो वर्ग बीजेपी के पास आना चाह रहा था या आने को तैयार बैठा है, वो फिर वापस में शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। तो आने वाले दिनों में रणनीतियां भी बनेंगी नए सिरे से, अगर पार्टी यूनाइट होती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिसकी संभावना अब बन गई है। दिल्ली से खबरें यही है कि सचिन पायलट को पार्टी के आलाकमान ने समझा दिया है और वो मान गए, जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो काम करेंगे, क्योंकि न तो बीजेपी में सचिन पायलट को अपना भविष्य नजर आ रहा है और न ही किसी और पार्टी बनाने के बाद में उनको अपना भविष्य महफूज नजर आ रहा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती यहाँ की जनता, और बीजेपी में जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए थे उनका जो असर आज है उसको देखते हुए सचिन पायलट हिमाकत नहीं कर पाए। बिल्कुल, सचिन पायलट बखूबी जानते भी हैं कि अगर उनका भला हो सकता है तो कांग्रेस में, और यही वजह है कि कुछ बड़ा फैसला, जैसा कि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, वैसा कुछ सचिन पायलट ने लिया नहीं, और
अब ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं मान गए हैं जो जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान उन्हें देगा उस पर मंजूरी के लिए। लखवीर, क्योंकि नियुक्तियां अटकी हुई हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी नजर है और बीजेपी की इस बैठक पर, नियुक्तियों को लेकर क्या खबर है? लिस्ट को लेकर लखवीर, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? लिस्ट प्रॉपर तैयार कर ली गई है या आज की बैठक का भी इंतजार किया जा रहा है? लिस्ट को लेकर इस बैठक में भी मंथन की जाएगी? देखिए प्रियंका, जहां तक आज की बैठक का सवाल है, आज की बैठक चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई है, प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने के मद्देनजर बुलाई गई है, और चुनावी एक्शन में क्या रोडमैप हो, क्या रूपरेखा हो, इस लिहाज से आज तमाम मार्गदर्शन दिया जाएगा प्रदेश नेतृत्व को, क्योंकि आगामी दिनों में राजस्थान में कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास भी होने हैं, उनके दौरे भी होने हैं, क्योंकि इस रूपरेखा में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अब तक करीब कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं, राजनाथ सिंह आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे नहीं हुए हैं। यही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं हो पाया, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता अभी तक कायम नहीं हो पाई है, लेकिन आज की बैठक से संदेश दे दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी की नजर तो वाकई इस बैठक पर है, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस में स्थितियां स्पष्ट हो, क्योंकि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये माहौल क्रिएट नहीं कर पाई है कि केंद्र सरकार। बिल्कुल लखवीर बाबूलाल, ये बैठक बेहद खास है, महामंथन कांग्रेस का, और लगातार इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप लोग भी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, आरसीए के अंडर 19 टूर्नामेंट में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में ओवर एज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के लिए बार बार कागजातों में खिलाड़ियों ने उम्र कम करके दर्ज कराया है। मामले में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये चर्चा की गई है। तो टूर्नामेंट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, ओवर एज्ड यानी कि जितनी उम्र सीमा तय की गई थी उससे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें खेल भी खेला। अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि ओवर एज्ड खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 19 आरसीए के अंदर 19 टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ओवर एज खिलाड़ी खेले। टूर्नामेंट के लिए बार बार कागजातों में खिलाड़ियों ने उम्र कम करके दर्ज कराया। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक बड़ा खुलासा हुआ है, हुआ कैसे ये, किसकी गड़बड़ी यहाँ पर? देखिए, जिस तरह के मामले जो है इस बार अंडर 19 में देखने को मिले हैं वो यहाँ पर संदेह पैदा करते हुए दिखाई दिए हैं, और जिस तरह से आयु के जो प्रमाण पत्र खिलाड़ियों ने दिए उसमें बार बार मॉडिफिकेशन जो देखा गया, आधार कार्ड जो दिए गए थे उसमें जो अपनी डेट है, डेट ऑफ बॉर्न, उसको बार बार चेंज दिखाया गया, तो उससे संदेह हुआ है आरसीए के जो पदाधिकारी हैं उनको भी, और उन्होंने भी जो है यहाँ पर जिस तरह से इस मामले की जाँच कराई है, और उसमें कई खिलाड़ियों को जो है पहले बाहर भी किया गया था, और तय उम्र से जो ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं उनको लेकिन खिलाया भी गया, ऐसा भी जो यहाँ पर सामने आया। तो ऐसे में ये जो मुद्दा था, अभी रिसेंट जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है उस मामले में ये पूछा, और इसमें ये मसला हुआ कि जो बीकानेर, धौलपुर और जोधपुर के कुछ खिलाड़ी हैं उन्होंने इस तरह के प्रमाण पत्र लगा करके खिलाए हैं, और क्या इस मामले में जो है जो सिलेक्शन कमेटी है या फिर जो कोचेज हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है या उन पर कोई कार्रवाई बनती है, तो इसे लेकर के जो है चर्चा हुई है, और यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में जो चर्चा हुई उसके बाद में एक बिल्कुल महेश, जिन खिलाड़ियों ने झूठे प्रमाण पत्र पेश किए उन पर तो कार्रवाई होगी, अब देखना है कि जो जिम्मेदार थे उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पीएम के कार्यक्रम को लेकर दो अलग अलग पंडाल बनाए जा रहे हैं, एक सरकारी और एक बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम होगा।
पीएम जामनगर अमृतसर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा है, लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से कई बड़ी सौगातें राजस्थान वासियों को मिलने वाली हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, किस कदर वहां पर तैयारियां की जा रही हैं इसे देखकर उन्होंने वहां से जानकारी इकट्ठा की है। तो 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उधर विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई से होने जा रही है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने विधिवत रूप से अधिसूचना जारी कर दी है और 14 जुलाई को विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन करेंगी। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि सदन में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके पहले विधानसभा में 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन किया था। टोंक जिले से खबर है, डिडवाड़ी में शंकर मीणा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस दौरान क्राइम ब्रांच SIT और पीपलो पुलिस का जाब्ता आरोपियों के साथ मौजूद रहा। आपको बता दें कि शंकर मीणा हत्याकांड में 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। कल ही SIT ने 8 आरोपियों को पकड़ा था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच SIT कर रही है। और अब बात सीकर की, जहां बारिश से हाल बेहाल है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बारिश ने कहर बरपाया और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जरा तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन गई हैं, घुटनों तक पानी भरा है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। नवलगढ़ रोड इलाके में तो 5 से 6 फीट तक पानी जमा हो गया है। इसके अलावा ज्यादातर निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं सीकर के झुंझुनू से, जहां पर बाईपास के पास स्थित यूनिक अनमोल कॉम्प्लेक्स का एक तरफ का दीवार का हिस्सा गिर गया। इससे वहां पर खड़ी गाड़ियां भी जमीन के साथ नीचे धस गई और गड्ढे में जा गई। अगली खबर का रुख करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान पर खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में वंदे भारत की तादाद को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। 12 अप्रैल को प्रदेश में एक और वंदे भारत का संचालन शुरू हो चुका है और शुक्रवार यानी कि 7 जुलाई से प्रदेश में एक और वंदे भारत का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं इसके अलावा 3 और नई वंदे भारत पर काम शुरू हुआ है। स्पीड ऐसी ही बनी रही है तो अगले 3 महीनों में 3 वंदे भारत राजस्थान या फिर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को मिलने जा रही है। तो 7 जुलाई से प्रदेश को एक और वंदे भारत की सौगात मिल जाएगी। प्रदेश में चलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। इसका रूट जोधपुर से साबरमती के बीच होगा। जोधपुर से चलने वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन तक चलेगी। ये ट्रेन जोधपुर से होकर पाली, फालना, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाणा होती हुई साबरमती पहुंचेगी। ट्रैक की टेक्निकल इश्यू के साथ ही जोधपुर स्टेशन पर की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर हमारे संवाददाता ने स्टेशन डायरेक्टर से बातचीत की, सुनिए। तो एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। खासा जोश राजस्थान में, क्योंकि ये ट्रेन बेहद कम दूरी में वक्त को तय करती है। तो प्रदेश को मिलने वाली दूसरे वंदे भारत का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान लूडी रेलवे स्टेशन पर ट्रायल के दौरान वंदे भारत ट्रेन का ठहराव देने पर स्टेशन पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने ट्रेन का वीडियो बनाया, साथ ही नई वंदे भारत के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान कई लोग ट्रेन के अंदर भी चले गए। ऐसे में ट्रेन के चलने पर कुछ लोग अंदर ही रह गए, जो आगे जाकर पाली स्टेशन पर उतरे।
तो ट्रायल रन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।